दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार में सुस्ती देखी जा रही है। बाजार से एंड यूजर्स और निवेशक नदारद हैं। ऐसे में रियल स्टेट इंडस्ट्री की नजर अब नई सरकार पर टिक गई है। ऐसा माना जा रहा है कि स्थायी सरकार के आने से बाजार में अगले कुछ महीनों में तेजी देखने को मिल सकती है। नई सरकार आने के बाद भी प्रॉपर्टी बाजार में ज्यादा हलचल नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे दिल्ली एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार में ग्रहण लग गया है। डेढ़ साल पहले नोएडा के चारों ओर रियल एस्टेट ब्रोकर्स के मेकशिफ्ट टेंट दिखाई देते थे, क्योंकि उस समय होम बायर्स नए अपार्टमेंट्स खरीदने के लिए काफी एक्टिव थे। इन टेंट्स में उन दिनों कस्टमर्स की काफी हलचल हुआ करती थी, लेकिन अब ब्रोकर्स की टेंट्स में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं। ऑलरेडी काफी लोगों ने अपने डिसीजन खरीदने के रोक रखे हैं इस समय, क्योंकि जब मार्केट सुस्त होता है तो सब लोग अपने बाकी सब लोग भी सुस्त हो जाते हैं। वो मार्केट सुस्त होता है, वो ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। तो जब मार्केट में अभी उछाल आएगा तो सब लोगों को जल्दी आएगी और फटाफट वो खरीदने की तरफ भागेंगे। सुस्ती की मार ऐसी पड़ी कि कई ब्रोकर्स को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। जानकारों का कहना है कि केवल नई और स्थायी सरकार बनने से प्रॉपर्टी बाजार पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बाजार में तेजी तभी आएगी जब नई सरकार कुछ अहम फैसले लेगी। सेक्टर रेट की बात होती है, हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में हर एक स्टेट का सेक्टर रेट अलग अलग है, क्योंकि वो राज्य सरकारों के अधीन रहता है। केंद्र सरकार अगर टैक्सेशन लाती है तो उसमें सेक्टर रेट का इम्प्लीकेशंस को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अब है क्या, कहीं पे मार्केट रेट सेक्टर रेट से कम है, लेकिन इनकम टैक्स में प्रोविजन है कि अगर दोनों का डिफरेंस होगा तो टैक्सेबल होगा। ये सारी समस्याएं पहले भी थी, हमें लगता है कि शायद सरकार इस पर तवज्जो देगी। 40 अप्रूवल लेने होते हैं हर एक स्टेट में, करीब फाइल घूमती है 6 महीने साल 2 साल फाइलें घूमती रहती है। एक सिंगल विंडो क्लियरेंस बता दें हमें, हम जैसा लॉ होगा लॉ के हिसाब से काम करने के लिए रेडी हैं हम लोग। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग लॉ के बाहर जाके काम कर रहे हैं। एक हमें बहुत ध्यान देने वाली जो एक बात है, उस पर हमें टैक्स रिफॉर्म से भी बहुत काम करना पड़ेगा। इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट तो कहते हैं लगभग 30-37% जो कॉस्ट है फ्लैट की वो टैक्सेशन की वजह से भी है, जिसमें स्टेट टैक्स एंड सेंट्रल टैक्स दोनों आते हैं, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, वैट है। तो ये इतना बड़ा एक टैक्सेशन का बर्डन है इस सेक्टर के ऊपर, सर्विस टैक्स भी है, तो वो ओवरऑल कॉस्ट को बढ़ा देता है प्रोजेक्ट को भी और फिर इंडिविजुअल यूनिट्स को भी। उसको हमें स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। हालांकि ज्यादातर डेवलपर्स का मानना है कि नई और स्थायी सरकार बनने पर प्रॉपर्टी बाजार में एक बार फिर से उम्मीद की किरण लौट सकती है और अगले कुछ महीनों में प्रॉपर्टी बाजार के सेंटीमेंट में सकारात्मक बदलाव देखा जा सकता है। नई सरकार बनी है तो डेफिनेटली स्थिर एक स्थायी सरकार आने के बेनिफिट्स हैं। आप इक्विटी मार्केट्स देख रहे हैं कि हर रोज एक ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं, सो रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, सो दैट इज अ बहुत अच्छा सिग्नल है ये। सो इन्वेस्टर्स यूजुअली पहले इक्विटी मार्केट्स में आते हैं, वहाँ से बेनिफिट जब उनको मिलता है तो दे गेट इनटू अ मोर स्टेबल सेक्टर लाइक रियल एस्टेट। सुस्त इकोनॉमी की वजह से भी पिछली कुछ तिमाही से होम बायर्स का रुझान बेहद कमजोर हो गया है। जानकारों का कहना है कि अगर लोग अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर को देखकर कॉन्फिडेंट महसूस करने लगे तो सेल्स में तेजी आ सकती है। मौजूदा समय में लोगों में इस कॉन्फिडेंस की कमी है। देश भर में पिछले 12 से 18 महीने से होम सेल्स में सुस्ती बनी हुई है। हालांकि पिछले 3 से 4 महीने तो बेहद ज्यादा खराब रहे। प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म लाइसिस फोरास के मुताबिक दिसंबर तिमाही के आखिर तक देश में कुल 6.5 लाख अपार्टमेंट्स खाली पड़े थे, जो कि मार्च के आखिर में बढ़कर 7 लाख पर पहुंच गए। जहां पे स्लो डाउन देखा जा रहा है वो एक उन प्रोजेक्ट्स के में देखा जा रहा है जहां पे इन्वेस्टर ने अप्रिसिएशन के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। आज वहाँ रीसेल नहीं हो रही है, प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो एंड यूजर अंदर आ नहीं रहा है और रीसेल हो नहीं रही है। पिछले 3 महीनों में देश के 8 प्रमुख शहरों में 700 के करीब नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। सबसे ज्यादा 200 नए प्रोजेक्ट मुंबई में लॉन्च हुए, जबकि पुणे में 140 प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग हुई है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स पर बायर्स का रिस्पॉन्स ठंडा ही रहा। जानकारों का कहना है कि डेवलपर्स सेल्स की उम्मीद में नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्री लॉन्च इन्वेंटरी ही बिक रही हैं, क्योंकि प्री लॉन्च के दौरान मार्केट रेट्स के मुकाबले काफी डिस्काउंट मिलता है, लेकिन उसी अनुपात में रिस्क भी होता है
सेल्स को बढ़ाने के लिए डेवलपर्स बड़ा डिस्काउंट देने को भी तैयार हैं, लेकिन खरीदार सामने नहीं आ रहे। नई और स्थायी सरकार के आने से जहां एक ओर डेवलपर्स ने अपनी मांगों का पिटारा खोल दिया है, वहीं दूसरी ओर घर खरीदार घर की ऊंची कीमतों से परेशान हैं और उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार उनके सपनों को जरूर पूरा करेगी। आने वाले कुछ महीनों में ये तय हो जाएगा कि प्रॉपर्टी बाजार का क्या ट्रेंड और रुख रहने वाला है। राजीव रंजन, दिल्ली, News 24। सच हो सकता है दिल्ली में अपने आशियाने का।